नमस्कार। रोजहब टीवी के गपशप के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजीव सांगल जी से, जो आईआईटी बीएचयू के प्राक्तन डायरेक्टर रह चुके हैं। अभी अभी हाल ही में उन्होंने अपने कार्यकाल को समाप्त किया और सर के साथ हम उनके जो लंबे पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े हुए, शिक्षा के साथ जुड़े हुए जीवन काल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा, आपके स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, जो अर्ली स्कूल लाइफ थे उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है राजस्थान में हुई है। मैं वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, पर मेरे माता जी और पिताजी दोनों डॉक्टर थे और इसी सिलसिले में वो राजस्थान में चले गए और मेरी पूरी शिक्षा और ग्रोइंग अप जिसको कहेंगे वो राजस्थान में हुआ। प्रथम शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मेरी बीकानेर में हुई। मेरे ख्याल से 1958 से 1966 करीब 8 साल का समय था जब मेरी पढ़ाई रामपुरिया विद्या निकेतन गंगा शहर बीकानेर में हुई। और वो स्कूल मुझे आज भी याद है, बहुत ही अभूतपूर्व स्कूल था। उसके जो जिनको हम कहते हैं प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, वो श्री द्वारकानाथ भट्ट जी थे और उनके कारण एक स्कूल में जो एक माहौल था वो एक बहुत ही अद्भुत माहौल था। इस माहौल में सब लोग अपनी बात रख सकते थे, खुल के चर्चाएं होती थी और हमें अपने चरित्र के बारे में स्वतः ही चीज़ें समझ में आने लगती थी। हिंदी मीडियम स्कूल था और ये बहुत अच्छी बात रही कि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में एक इतनी सारी नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, उस समय अगर भाषा का भी भार आ जाए तो वो सीखने में बाधक बन जाता है। तो मेरी शिक्षा चूँकि हिंदी में रही, बहुत स्वतः रूप से वो सब काम हो पाया। तो सर, जो मैं पूछ रहा था कि आपने अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई बीकानेर में किया? मेरी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई बीकानेर में हुई। इसके बाद 1966 में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, वो मेडिकल कॉलेज बीकानेर में थे, वहाँ से वो मेडिकल कॉलेज अजमेर पहुँच गए, तो मैं भी उनके साथ वहाँ पहुँच गया और अजमेर में फिर मेरी हाई स्कूल की शिक्षा हुई अगले 4 वर्ष। हाँ, तो उस शिक्षा में मेरा दाखिला एक अंग्रेज़ी स्कूल में हुआ, सेंट एंसलम, पर उस समय अंग्रेज़ी का ऐसा दबाव नहीं था। मैं हिंदी मीडियम से आया था लेकिन अंग्रेज़ी तो जानता था, पढ़ सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था। तो शुरू में थोड़ी सी कठिनाई हुई, पर मैं समझता हूँ कि महीने दो महीने में वो सब ठीक हो गया और फिर जब परीक्षाएं हुई तो मेरा प्रथम स्थान मेरा ही था, तो शायद उसके कारण कुछ आसानी हुई होगी। पर वो भी एक बढ़िया स्कूल था जहाँ पर एक वातावरण में बाधाएं नहीं थी, दबाव नहीं था और अच्छे मित्र बने, बीकानेर में तो थे ही, अजमेर में भी बने। तो ये जो समय था, यही समय होता है कि एक बच्चे जब सोचता है कि मैं आगे क्या करूँगा, मैं आईआईटी में पढ़ूँगा या इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ूँगा, तो आपने भी इसी समय पे डिसीजन लिया था या सोचना शुरू किया था? हाँ, ये बात ठीक है कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे समय में हायर सेकेंडरी 11वीं कक्षा तक होता था और आईआईटी की पढ़ाई 5 वर्ष की होती थी, 11वीं के बाद 5 वर्ष। तो उस समय चूँकि मुझे गणित से विशेष प्रेम था, भौतिकी और गणित से, तो मैंने इंजीनियरिंग को चुना। हालांकि मेरे माताजी, पिताजी, परिवार के अन्य अनेकों मौसी जी, मौसा जी, अन्य लोग सब डॉक्टर थे, लेकिन मैंने गणित को चुना और मेरे पिताजी ने कभी इसमें कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल जो तुमको पसंद आता है वही करो। तो फिर मैं इंजीनियरिंग की, मुझे लगा इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि फिज़िक्स पढ़नी चाहिए। तो मुझे याद है आईआईटी की परीक्षाएं थी, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और पूरी गर्मी की छुट्टियां हमने आराम से खेल कूद और जो शौक़ थे चीज़ें की पुस्तकें पढ़ना वो सब किया। और जिस दिन जेई का परीक्षा थी उसे एक दिन पहले मैंने कहा देख लेना चाहिए सिलेबस में क्या क्या है, तो मेरी तैयारी पूरे एक दिन की थी।
और इसके बाद मैं कह सकते हैं शौकिया रूप से जेई में बैठा और मेरे बहुत अच्छा रैंक आया। और उस समय आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर अलग से नहीं था, तो मुझे वो सारी ब्रांच सब चीज़ें मिली, तो उसके कारण फिर मुझे दाखिला मिला आईआईटी में। आईआईटी कानपुर में दाखिला। तब इतना ज़्यादा कंपटीशन था, तब का क्या सिनेरियो था, कौन लोग आईआईटी पहुंचते थे और क्या होता था? कंपटीशन तो था लेकिन इस तरह से दो दो तीन तीन चार चार वर्ष की जो तैयारी में समय व्यर्थ होता है ये नहीं था। लोग बाग कुछ महीने छः महीना तैयारी करते थे और मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैं बाकी सारी चीज़ें करता रहा और एक दिन की तैयारी करी। पर ये भी तो है कि आपने ये तैयारी एक्चुअली अपने बचपन से किया था, जो प्रिपरेशन अपने पढ़ाई के दौरान किया था वही एक्चुअली काम आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई ठीक से चल रही है तो उस समय जो तैयारी है वही वास्तव में तैयारी है। ये जो कंपटीशन या प्रतियोगिता के प्रश्नों को लेके जो तैयारी कराई जाती है, जिसके लिए कोचिंग होती है 2 साल 3 साल अब 4 साल, ये बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि इससे आप अपना विषय में भी गहराई पे नहीं पहुंच पाते हैं। आप सारा समय इस तरह इन चीज़ों पे व्यतीत करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनका किस प्रकार जल्दी से उत्तर देना है, ना कि सीखने पे सब्जेक्ट ना। हाँ, तो सब्जेक्ट या विषय को सीखने पर समझने पर ज़्यादा दबाव वो रहता है या कहें उत्साह रहता है, ना कि उसकी तैयारी के। तो जब आप स्कूल में थे या प्रिपरेशन ले रहे थे और आईआईटी कानपुर पहुंचे, उससे पहले कंप्यूटर के बारे में आपका नॉलेज हो चुका था, वो क्या है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रहे थे उस समय? कंप्यूटर तो निकला ही नहीं था, पीसी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ही मुख्य चीज़ थी, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही दाखिला लिया था। हालांकि मैं सोच रहा था कि फिज़िक्स पढ़ूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ूँ। उस समय ड्यूअल डिग्री या IDD प्रोग्राम नहीं हुआ करता था, अगर होता तो शायद मैं फिज़िक्स पढ़ता IIT कानपुर में। उस समय इंजीनियरिंग ही था अंडर ग्रेजुएट पे, तो इसलिए मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि जब मैं IIT कानपुर देखने गया, काउंसलिंग के लिए गया, तो वहाँ देख के मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत सारे यहाँ सब तरीके के चीज़ें हैं, संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, माहौल बहुत बढ़िया है, तो यहीं पे एडमिशन लेना चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पता चला कि कंप्यूटर में इतना कुछ हो रहा है दुनिया भर में, उसी यही टाइम था जब स्टीव जॉब ने, और मतलब स्टीव जॉब ने 1976 में ही एप्पल वन का शुरुआत कर दिया था, मतलब जो कंप्यूटर बेचना कमर्शियल कंपनी। मेरा दाखिला हुआ है 1970 में, उस समय कंप्यूटर नहीं था, एक अंडर ग्रेजुएट विषय के रूप में कंप्यूटर नहीं था कहीं भी। और अगर कंप्यूटर आप पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करने के बाद आप उसमें PhD या मास्टर्स कर सकते हैं। तो उस समय मेरा विचार तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही था, पर जैसे जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करी फिर मेरा कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट हो गया, तो उसको लेके फिर मैंने अपनी मास्टर्स और PhD की पढ़ाई कंप्यूटर में। तो पेंसिल्वेनिया के लिए आपने जब प्रिपेयर सोचने शुरू किया था तभी आपको पता था कि मुझे कंप्यूटर में जाना है, मतलब कंप्यूटर के लिए आप प्रिपरेशन? इसको अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो मेरे जीवन में किन लोगों का प्रभाव रहा वो प्रश्न शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा, विद्या निकेतन बीकानेर, उसके जो प्रधानाध्यापक थे, एक तो उनका प्रभाव रहा, और दूसरा मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव रहा मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, पैथोलॉजी के डॉक्टर थे और प्रोफेसर थे, और वो अपने काम में बिल्कुल कर्मठ और हर चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से करते थे और इतने परफेक्शन के साथ करते थे, तो वो मैंने अपने आप ही उनसे सीखा। और उसके अलावा वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, कहीं किसी को कोई भी कठिनाई हो तो आगे आके उसकी सहायता करते थे। सारे टाइम ये सोचते थे कि जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, हॉस्टल में किसी को कठिनाई हो रही है तो कैसे उससे
उसको दूर कर सकते हैं। तो वो साथ में एक जिसको कहेंगे आदर्शवादी थे, आइडियलिस्ट। एक तरफ उनको फिल्म्स का बहुत शौक़, किताबें पढ़ने का शौक़, और लेकिन अपने जीवन में बहुत आदर्शवाद। आदर्शवाद किस तरीके से कहेंगे कि हर काम को अच्छे से करना है, दूसरे व्यक्ति का ध्यान रखना है। तो और इसको उन्होंने जिया है। इसके साथ साथ उन्होंने हरदम प्रश्नों को बढ़ावा दिया। मुझे याद है बचपन में मैं इतने प्रश्न पूछता था और वो कभी भी मना नहीं करते थे, उसका उत्तर देते थे। और अगर अंत में कहते थे इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है तो ये भी वो कहते थे। अच्छा, तो एक खुले वातावरण में मेरी परवरिश हुई और उस खुले वातावरण में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उनसे दृढ़ता भी सीखी, उनसे प्रेम भी सीखा और उनसे एक संवाद वार्ता, उन सब चीज़ों पे उनसे बात हो सकती थी। वो सब बहुत धैर्य और ध्यान से सुनते थे, फिर उसको लॉजिकली उसके बारे में चर्चा करते थे। तो इस प्रकार से ये मुझे उनसे बहुत कुछ मिला है, पिताजी से। और वो अभी तक 10 साल पूर्व तक जीवित थे, 2008 में उनका देहांत हुआ। तो सर पेंसिल्वेनिया में जाने के बारे में जो चर्चा हो रहा था, तो पेंसिल्वेनिया के जाने के बारे में प्रिपरेशन आपने आईआईटी कानपुर के दौरान ही आपने किया? हाँ, जैसे अंतिम वर्ष में जैसे अप्लाई करते हैं तो पाँच वर्ष का होता था। तो उस पाँच वर्ष में पेंसिल्वेनिया के लिए और कई करीब 8-10 जगहों के लिए अप्लाई किया और फिर पेंसिल्वेनिया से मुझे सौभाग्य से एडमिशन मिला। वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ के तब के परिस्थिति कैसे थे? तो मैं इसको ये कहूँ कि जो एक वातावरण घर में देखा, इसके बाद एक स्कूल का वातावरण बीकानेर का, बीकानेर से एक अजमेर में अंग्रेजी स्कूल का वातावरण, तो उसमें मैंने एक अंतर देखा। बीकानेर के स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में, जो अध्यापकों के लिए जो आदर था वो इस अंग्रेजी स्कूल में नहीं था। ये नहीं कि हम अध्यापकों का निरादर करते थे, लेकिन वो आदर भाव मैंने नहीं देखा अन्य छात्रों में। इसके बाद मैं पहुंचा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में मुझे एक बड़ी दुनिया को देखने का मौका मिला। बड़ी दुनिया अर्थात इतने सारे देश के मुद्दे थे और उन पे सब पे सोचने का, पढ़ने का और जिसको कहें आर्ग्यूमेंट्स करने का मौका मिला। क्योंकि उस समय देश में बहुत गरीबी थी, उस समय अनेकों क्राइसिस भी थी, उस समय नक्सलाइट मूवमेंट भी चल रहा था, उस समय पूरे देश में स्ट्राइक्स भी हो रही थी, एक अमीरी गरीबी का भेद दिखाई देने लगा था। तो ऐसे वातावरण में बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करने का और पढ़ने का मौका मिला। आईआईटी कानपुर का जो करिकुलम, इंजीनियरिंग का जो करिकुलम था, उसमें 10 ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स थे। ये सोच भी नहीं सकते हैं दूसरे आईआईटीज़ में कि इंजीनियरिंग के कोर्स में 5 साल में 10 कोर्स ह्यूमैनिटीज़ के। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेहतरीन शिक्षा, इसके अलावा जो साइंस बेस्ड करिकुलम जिसको कहेंगे इंजीनियरिंग का, वो भी था। चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो, मटीरियल साइंस हो, ये सब तरीके। तो एक तरह से बहुआयामी शिक्षा और उसको बेहतरीन अध्यापकों के माध्यम से उसको ग्रहण करने का मौका मिला, उसको देखने का मौका मिला। और साथ में देश की समस्याओं पर उस समय जो भी हम चिंतन कह, अगर चिंतन वर्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बारे में संवाद करने का, आर्ग्यूमेंट्स करने का, डिबेट्स करने का, वो सब करने का मौका मिला। ये वो समय था जब आईआईटी कानपुर में भी इसकी पूरे देश का जो प्रभाव था वहाँ भी आया। वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई, जो मेस वर्कर्स थे जिनके कारण हम खाना रोज हमको मिलता था, उनकी भी स्ट्राइक हुई। और उस स्ट्राइक में मैंने ये स्टैंड लिया कि ये लोग सही हैं, जबकि बाकी छात्रों ने कहा अरे इन्होंने तो स्ट्राइक कर दिया, हमें खाना नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हो कि ये लोग सही हैं। मैंने कहा कि ये इनकी मांग सही है। तो उस समय मुझे बहुत विरोध भी झेलना पड़ा, वो शायद थर्ड ईयर की बात होगी। तो पर मैंने अपना स्टैंड लिया
और 1000 स्टूडेंट एक तरफ, मैं अकेला या दो अकेले, तो उस समय मेरे ख्याल से एक दृढ़ता की जो सबक मिलता है कि जीवन में उसको कैसे उतारें, वो सबक मुझे वहाँ से मिला। तो एक तरह से आईआईटी कानपुर से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद पेंसिल्वेनिया जाना तो मामूली बात थी, ठीक है, एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, वहाँ दूसरा कल्चर था, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सीखने को वहाँ मिला कि किस प्रकार से रिसर्च कैसे की जाती है, किस प्रकार से अलग अलग विदेशों के लोग एक ही जगह कैसे पढ़ते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, किस प्रकार से एक सुव्यवस्थित समाज है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, चीज़ें ठीक से व्यवस्थित भी नहीं हैं, तो ये देखने को मिला कि वहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित हैं। लेकिन उसने मुझे कभी आकृष्ट नहीं किया कि मैं वहीं रह जाऊँ। तो पेंसिल्वेनिया के बाद मैं 2 वर्ष MIT में रहा, PhD करने के बाद MIT गया, और 2 वर्ष के बाद मैंने कहा कि अब मेरा काम हो गया, अब मुझे वापस जाना है। तो मैं वापस फिर देश लौट आया और IIT कानपुर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो वहीं से मैंने फिर अपने 15 साल वहीं पे काम, हाँ, शिक्षण का काम, पढ़ाने का काम अध्यापक रूप से मैंने कानपुर से ही शुरू किया। तो सर, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देखा है, पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल, और अभी बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है, तो आपका भी बड़ा योगदान इस चीज़ में रहा है। और मशीन लर्निंग और जो मशीन ट्रांसलेशन के बारे में आपका विशेष काम है, तो उस बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। देखिए, मैंने तो एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर के प्रथम युग से लेके अभी आप कौन सा युग कहेंगे, 5वां युग कह सकते हैं कंप्यूटर में, 5वां 6वां युग तक सब देखा है। IIT कानपुर में कंप्यूटर विभाग उस समय खुल गया M.Tech के लिए, जिसको प्रोग्राम बोलते थे। तो अंडर ग्रेजुएट में B.Tech में कंप्यूटर के कोर्स भी शुरू हो गए। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से मिश्रित, मेरा एक प्रोजेक्ट था कि ये जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं इसका डेटा कैसे इकट्ठा कलेक्ट किया जाए। तो उसमें हार्डवेयर का मैंने अपना सर्किट, बड़ा बहुत बड़ा सा सर्किट था, बहुत सब पूरा डिज़ाइन करके उसको बनाया था। और इसके बाद फिर मैं जब अमेरिका गया तो मेरा एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हुआ था। वहाँ मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और वहाँ कंप्यूटर विभाग अलग अलग था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहूँगा। तो वहाँ मैंने वो ट्रांसफ़र लिया और वहाँ पर फिर मैं मास्टर्स और PhD दोनों कंप्यूटर में किया। तो मैं 1975 में अमेरिका चला गया, और आप सही कह रहे हैं 1976-77 के उसी टाइम उस समय, और अगर थोड़ा सा और बाद में चले जाएं 79 में, एक तरह से ये कहेंगे कि सब जगह PC से पूर्व युग आ गया। 76-78 में PC आया है, 80-81 में। तो PC से पहले जिसको स्टीव जॉब्स और एप्पल वन करके एक कंप्यूटर आया था, वो भी देखा था, पर वहाँ पर मैंने अपना खुद कंप्यूटर बनाया। अच्छा। पार्ट्स जोड़ के, एप्पल मैंने नहीं खरीदा, हाँ। अलग अलग सर्किट सब खरीद के, हाँ। उनको जोड़ के उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके पूरा, और उसको मैं वापस लेके आया अपने साथ, और वो IIT कानपुर में उस समय बहुत काम आया, क्योंकि वो कंप्यूटर तब स्पेसिमेन तो यहाँ कम ही होते होंगे, तब तो होते नहीं थे, और IBM ने भी मना कर दिया इसी टाइम पे कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने। नहीं, देखिए, ये तो छोटा कंप्यूटर था, IBM के बड़े कंप्यूटर होते थे, हाँ। पर उसी समय IBM ने 81 में IBM PC निकाला, पर्सनल कंप्यूटर, वो छोटा कंप्यूटर था। तो मैं जो कंप्यूटर लेके आया उससे पहले वाला कंप्यूटर लेके आया जो मैंने खुद हाथ से बनाया था। और फिर इसके आने के बाद मेरा जो PhD था वो भाषा के ऊपर था, कंप्यूटर भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कहेंगे, नॉन प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस। तो जब मैं भारत, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरी रुचि हुई, तो जब मैं भारत आया तो मैंने कहा कि अब मैं वो काम करूँगा जो देश के लिए है। तो मैंने कहा अभी तक जो पढ़ाई, जो विषय विशेष में की है, उसके अगर वो काम में आती है अच्छी बात है, वरना मैं अपना फील्ड वो करूँगा। तो उस समय मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में ही भारतीय भाषाओं पे काम शुरू किया,
तो मैं 1982 में वापस आया अमेरिका से आईआईटी कानपुर में, और 1982 से फैकल्टी बना, और मैंने भारतीय भाषाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन उसको लेके काम शुरू किया, और हमारा काम बहुत अच्छा निकला। तो उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें हुई, भारतीय भाषाओं के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिला जो कि पाणिनि पर आधारित है। तो वो देखेंगे कि कहाँ 2500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी के नाम से संस्कृत का जो व्याकरण लिखा था, उस व्याकरण के मूल चीज़ों को लेके हमने आधुनिक भारतीय भाषाओं पर उसको लगाया। मेरे साथ में थे मेरे सहयोगी, सीनियर सहयोगी डॉक्टर विनीत चैतन्य, तो हम दोनों ने मिलके ये काम शुरू किया, और इसमें पूरा वो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ, उस फ्रेमवर्क के आधार पे सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, और फिर एक मशीन ट्रांसलेशन का छोटा सा सॉफ्टवेयर बना। ये बात है 89 की बात होगी, 7-8 साल लगे उस समय इसको बनाने में, और वो हिंदी तेलुगु, इत्तेफाक से हिंदी तेलुगु के बीच अनुवादक के रूप में था, छोटा सा सॉफ्टवेयर था, और लेकिन वो उसने ये दिखा दिया कि ये सब काम हो सकता है, एक एक श्रृंखला की एक एक कड़ी काम कर सकती है। तो इसके बाद में फिर जब काम शुरू हुआ तो फिर कन्नड़ से हिंदी एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना, और उसकी सफलता के बाद फिर अनुसारक और फिर अनेक चीज़ें बनी। तो जो पाणिनि के अष्टाध्यायी हैं इसको बेस करके जब ट्रांसलेशन होगा ये, तो सारे जो इंडिक लैंग्वेज है इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, तो शुरू इसका भी बड़ा। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि चूंकि पाणिनि संस्कृत का व्याकरण देता है और उसी के भारतीय भाषाएं एक रूप हैं, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बांग्ला हो, मराठी हो, पंजाबी हो, इंडिया भारत को एक लिंग्विस्टिक एरिया के रूप से जानते हैं कि ये भाषाएं, इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी भाषा पहले आई कौन सी बाद में आई। 1000 साल तक आपने भाषाओं को लिया और एक बोतल में रख के हिलाया तो वो आपस में एक रूप हो गई, और उसमें संस्कृत के बहुत सारे अंश हैं, और कईयों की तो संस्कृत मातृभाषा के रूप से, उन भाषाओं की मातृभाषा है। तो पाणिनि का व्याकरण जो है इन सब पे लगता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, इस बारे में राजीव मल्होत्रा के बारे में आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। तो राजीव मल्होत्रा ने काफ़ी चैलेंज किया है इस कॉन्सेप्ट को कि जब पाणिनि के अष्टाध्यायी को एक मशीन सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तब उसके उच्चारण, उसके व्याकरण के जो मतलब बोलने के जो भाव है उनसे वो दूर चला जाएगा और उसका जो एक्चुअल एसेंस है वो चला जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में मैंने उनका व्याख्यान नहीं सुना है, राइट, पर जो आपने बताया उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मशीन में फीलिंग्स नहीं है, भाव नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भाव पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाला काम हो सकता है, अर्थात अनुवाद कर रहे हैं तो मशीनी रूप से अनुवाद हो सकता है, मशीन भाव को फील कर लेगी ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर हम समझ जाएं तो हम इन दोनों को भेद को समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में परफॉर्मेंस एक हद तक आ सकती है, कितने हद तक जाएगी वो देखना होगा, लेकिन भाव नहीं आ सकता है, ये उसकी एक फंडामेंटल लिमिटेशन है। पर भाव को भी तो पकड़ने के लिए मशीन्स बन रहे हैं। नहीं बन सकती, मेरा यही क्लेम है कि मशीन भाव को नहीं पकड़ सकती, मशीन में खुद में भाव नहीं हो सकता। अगर खुद में भाव नहीं हो सकता तो वो भाव को कितना पकड़ पाएगी ये कहना मुश्किल है। तो उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो आपने इंडिया में जिस पर में हम चर्चा कर ही रहे थे कि इंडिया में आपने देखा है कि कंप्यूटर को पूरा विकसित होते हुए, एक लंबे टाइम तक सरकार ने कोई कोशिश किया कि कंप्यूटर ज़्यादा
व्यवहार में ना आए, और फिर 90s के बाद अचानक से पूरे ओपन मार्केट कर दिया गया और पीसी के, कंप्यूटर के, इंटरनेट के सारे चीज़ें इंडिया में आ गए। तो इससे, इस दौरान, इस पूरे जर्नी में आपका क्या देखना है कि इसने जॉब बढ़ाया है, जॉब कम किया है, लोगों को किस चैलेंज के सामने लाया है या नहीं लाया है? देखिए, कंप्यूटर के इस्तेमाल से दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक जो है सामाजिक जीवन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सरकारी प्रोसीजर्स में, प्रक्रियाओं में एक पारदर्शिता आई है। इसको हम, इसको कम नहीं आंकना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जैसे जैसे चीज़ें पारदर्शी होती हैं तो भ्रष्टाचार का अंत होता है, और उसमें जो विशेष अधिकार लोग प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनके पास सूचना है, वो अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि अब सारी सूचना सब लोगों के पास है। तो कंप्यूटर या सूचना क्रांति का मैं सबसे बड़ा जो फल कहूँगा वो है कि ये हमें पारदर्शिता की ओर ले जा रहा है। अब इस हद तक पारदर्शिता की ओर न ले जाए कि प्राइवेसी ख़त्म हो जाए, वो अर्थ नहीं है, लेकिन सामाजिक जीवन में पारदर्शिता आवश्यक है और सरकार के कार्य में तो होनी ही चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। शुरू में लोगों को डर था कि कंप्यूटर आने से बहुत सारे जो रोज़गार हैं, रोज़गार के अवसर हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, पर वो सही सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि जिस तेज़ी से इसमें आवश्यकता थी उतना उस तेज़ी से मनुष्यों के द्वारा उसे पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको गांव-गांव में बैंक खोलने हैं, गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस और अनेक इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से वो संभव हुआ और जितने जॉब घटे उससे ज़्यादा जॉब बढ़े, मैं तो ये कहूँगा। तो कंप्यूटर का पूरा अगर मोटे रूप से देखेंगे तो हमारे लिए तो ये फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ है। आईटी रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, सूचना क्रांति का के कारण भारत ने जो विदेशों में साख बनाई वो अपनी जगह है, मैं अभी उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर वो एक तीसरी चीज़ थी जिसके कारण भारत में बहुत कई युवा लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला, एक ऐसे चीज़ में वो लगे। और चूंकि हमारे यहाँ गणित और जिसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो काफ़ी मज़बूत है, तो उसके कारण हमारे यहाँ के युवा वर्ग आगे आया और उसके कारण हम पूरी दुनिया में ये दिखा पाए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत आगे है। तो ये उसका एक तीसरा प्रभाव कह सकते हैं। अच्छा, इस बारे में एक छोटा सा सवाल मैं इंस्टेंट ही चर्चा करना चाहता हूँ कि अभी आपने भी देखा है, इतने साल आपने पढ़ाया है कि आईआईटी में या बड़े इंस्टीट्यूट में या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चे ज़्यादातर रुख करते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ, और बाकी डिपार्टमेंट को लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अवॉइड कर जाएं, या डिपार्टमेंट अगर मिल जाता है तो अच्छा है, ऐसा एक थॉट रखते हैं। तो इस बारे में क्या ये सही है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही फ्यूचर है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जितनी भी विधाएं हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे मेटलर्जी हो, सिविल हो, इन सब में एक अपना इंटरेस्ट है, उसमें अपनी एक, उसको जानने में एक कहेंगे कि तृप्ति का महसूस होती है जब किसी चीज़ को समझते हैं, अच्छा इसमें ये प्रिंसिपल है। मैंने तो अपने जीवन में यही देखा। आईआईटी कानपुर में जब मैंने बीटेक की पढ़ाई की तो सारे सब्जेक्ट्स थे और उसमें तो हर सब्जेक्ट में मज़ा आता था, खाली इलेक्ट्रॉनिक्स में मज़ा आता था ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अपनी खूबियाँ थी, हर एक में आनंद आता था। चूँकि अब ये पैसे से ज़्यादा चीज़ें जुड़ गई हैं, लोगों को अपनी रुचि का ख्याल नहीं रहा है, तो वो पैसे को देख के सोचते हैं कि कंप्यूटर से हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि वो उस इंडस्ट्री में जाएं और उन्हें कहें कहाँ फंस गया हूँ मैं, इस प्रकार के जॉब में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है, किसी और चीज़ में है, क्यों नहीं। तो ये हमारा युवा वर्ग अब पैसे में फंस रहा है, प्रतिभाशाली होते हुए भी पैसे में फंस रहा है, तो हमारे युवा वर्ग को पैसे से बाहर निकलना है।
अपनी रुचि का, अपने समाज का, सर्वशुभ का इस ओर निगाह दौड़ानी है। और करने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया में करने को बहुत कुछ है, अपने जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, तो मुझे आशा है कि युवा वर्ग इससे बाहर निकलेगा। तो सवाल ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि पैसे के पीछे ना भागने के लिए, पैसे काफ़ी कमाया जा सकते हैं अलग अलग तरीके से अगर अपना पसंदीदा काम किया जाए, पर इस डर को कैसे चैलेंज करे एक यंग बच्चा जो अपने माता पिता से, अपने चारों ओर के लोगों से सिर्फ पैसे और नंबर और अपने एक निश पे ना पा गया है, जिस बच्चे को उसको क्या एस्केप मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये जो पैसे का भय या प्रलोभन दोनों उसके हिस्से हैं, ये चीज़ जो आ गई है इसी ने हमारे युवा को कमज़ोर किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा ना कमाओ, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन कितना कमाओ और क्या करना है, क्या करना है ज़्यादा बड़ी बात है। ज़िंदगी पैसे से बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी कैसे जिए ये तय करना ज़्यादा आवश्यक है, और इसके साथ पैसा तो आ ही जाएगा। हम पैसे के पीछे भागें या पैसा हमारे पीछे भागे, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे तो हमें पर्याप्त पैसा मिलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और युवा आज का प्रतिभाशाली है उसे ज़रूर मिलेगा। लेकिन युवा जब डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि यही इस पैसे कमाने हैं और इसी तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, वहाँ से भय शुरू होता है और वहाँ से फिर अपनी ज़िंदगी नहीं होती है, वो एक परतंत्र ज़िंदगी होती है, और जब उसको समझ में आता है तब तक वो 60 साल का हो चुका होता है। तो यदि मैं सोचूं 1970 का दशक, हमारा जो दशक जब हम इंजीनियरिंग या अंडर ग्रेजुएट कर रहे थे, तो हम पैसे के बारे में बहुत नहीं सोचते थे। जॉब जॉब तो लग ही जाएगा, और ज़्यादा तनख्वाहों में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था, इंजीनियर की तनख्वाह या किसी और की तनख्वाह में भी बहुत फ़र्क नहीं था, मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल में और कंप्यूटर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो काम बात क्या होती थी कि हमें क्या अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और उसको करने के लिए साथ में जीविका का भी साधन हो जाए, तो जीविका जो है वो छोटी चीज़ है, ज़िंदगी बड़ी चीज़ है। ये जब समझ में आ जाता है तब ज़िंदगी तय करती है कि क्या करना है, आजीविका उसका हिस्सा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आजीविका को छोड़ दो, इसमें एक नई चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब हम चमक धमक में फंसते हैं तभी पैसा हमें गुलाम बना पाता है, तब हमें लगता है कि इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए चमक चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो उसके दबाव में फिर हम पैसे में फंसते हैं। और दुख की बात यह है कि फंसने के बाद भी उसे बाहर नहीं निकल पाते। आपको पता होगा भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने बंबई में एक बिल्डिंग बनाई है, शायद 500 कमरे हैं, 500 कमरे का घर बनाया है, और वो उसमें रह नहीं पाता है, और उसको मेरे ख्याल से हर रात चिंता होती होगी कि कोई 501 कमरे का दूसरा घर कोई दूसरा आदमी ना बना ले। तो सारा कुछ खोया और चैन भी नहीं नसीब हुआ। तो इसलिए वो एक काल था, दौर था, वो मुझे पूरा विश्वास है वो वापस आएगा। तो चूंकि आपने इसके बारे में पूछा है, आईआईटी कानपुर में खासकर हमारा बैच जो 1970 से 75, उसमें जितने नाम आपने बोले वो सब उसमें मौजूद हैं, अरविंद गुप्ता, अशोक झुनझुनवाला, मृगांक सूर, इसके अलावा इंडिगो का मालिक वो भी हमारा बैचमेट है। अच्छा, ठीक है, और बहुत तरह के, तो पैसे वाले से लेके जिसने विज्ञान में काम किया है, जिसने समाज में काम किया है, सब तरह के लोग, ये कहाँ से आ गए ये मुझे नहीं पता है, पर शायद वो माहौल था जिसमें हम आईआईटी कानपुर का एक वातावरण था जो उत्कृष्ट था, एक्सेलेंस का वातावरण था कि जो भी करेंगे वो उसे बहुत अच्छे से करेंगे, और उस वातावरण में हम सब मिलके बड़े हुए, और सौभाग्य कहेंगे कि इतने सारे लोग एक उससे छोटी मोटी चीज़ों से बाहर निकल पाए और कुछ कर पाए। तो आपको जो आपका भी लाइफ स्टाइल है, इसके
की प्रेरणा आपको पहले से शुरू से ही थी कि आपने लेटर ऑन कभी जाके रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे अब जीना जीवन जीना? देखिए, लाइफस्टाइल के ऊपर मैं कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल कैसा, जिसमें दबाव ना हो। अगर आप कपड़े के पीछे, कार के पीछे, घर के पीछे भागेंगे तो दबाव होगा कि नहीं होगा? आप दबाव में जिएंगे। हमें दबाव में नहीं जीना है, तो हम ठाट से जी रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि हम कम खा रहे हैं, नहीं, हम पूरा अच्छे से खा रहे हैं, पर हमें ये पता है कि कितना खाना आवश्यक है, कितना खाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम कार में भी बैठते हैं, जब दूर जाना है तो कार में बैठेंगे, वरना पैदल जाएंगे या रिक्शा में जाएंगे, क्या क्या दिक्कत है? क्या हमें ये दिखाना है कि हम रिक्शा में बैठें? नहीं बैठेंगे। तो ये हम दबाव से जब मुक्त होते हैं तो हम मन से स्वस्थ होते हैं और ठाट से जीते हैं, ठीक है। आपको लगेगा ये साधारण ज़िंदगी है, लेकिन ये मौज की ज़िंदगी है, पर जिम्मेदारी के साथ मौज, यही बात। तो सर, आखिरी की तरफ हम बढ़ते हैं, लगभग तो अष्टाध्यायी हमने चर्चा की, हाँ, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पे भी आपने काम किया हुआ है लंबे टाइम से, और AI पे अभी काफ़ी सारे चर्चाएँ हो रहे हैं, और जो चले, मतलब चर्चा कंप्यूटर के आने के टाइम में हुआ था, वही चर्चा अभी भी हो रहा है कि AI आने के बाद क्या जॉब के चैलेंजेस क्रिएट होंगे। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स जिस तरीके से सारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या उसके कारण से चैलेंजेस क्रिएट होंगे, और वो अगर चैलेंजेस क्रिएट होंगे तो उसको कैसे सामना किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये अब एक ऐसे फेज में प्रवेश कर रहा है जहाँ पर हो सकता है हमारे बहुत सारे बौद्धिक कार्य कंप्यूटर में चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनें आ गई, और जो काम आदमी अपने शरीर से करता था वो काम मशीनें करने लगी, तो इसका क्या असर हुआ? 300 साल में हमारा शरीर बेकार हो गया। कितनी सारी बीमारियां आ गई हैं, वो क्यों आ गई? क्योंकि हमने अपने शरीर का उपयोग नहीं किया, श्रम नहीं किया, तो इसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, पॉल्यूशन एक अलग चीज़ निकल के आई। तो ये सारी चीज़ें आ गई जिसने कि हमारे शरीर को बेकार किया। तो हमको ये समझना चाहिए कि मानव की जो रचना है, शरीर की जो रचना है, उसमें 2 घंटे से 4 घंटा श्रम अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे तो बीमारियों से घिर जाएंगे। तो अब श्रम कौन सा हो, वो श्रम हो जो खतरनाक ना हो। तो रोबोट्स कहाँ काम करें, वहाँ पे काम करें जहाँ पर खतरा है। माइन में काम करना है तो रोबोट्स जाए, आदमी क्यों जाए? पर अब मैं घर में बैठा रहूँगा, उठ के पानी भी नहीं पीऊँगा, और बगीचे में जाके तो कुछ काम भी नहीं करूँगा, तो वो सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाएंगी जो देख ही रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है तो हमें क्या आ जाएगा? मानसिक बीमारियां आ जाएंगी। आदमी जो है, अगर अपने मन और बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, सारा काम मशीन ही कर देगी, तो हम इन सब बीमारियों से घिर जाएंगे। उसमें डिप्रेशन भी होगा, उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ भी होगी, और तरह तरह की मानसिक बीमारियां हमें घेर लेंगी। तो पहले शरीर बेकार किया, और अगर अब आदमी का मन और दिमाग बेकार हो गया तो बचा क्या? तो हमें वापस लौटने की ज़रूरत है कि हम शरीर में भी श्रम करें, और जो मानसिक काम है, सारे काम कंप्यूटर को ना सौंपें। क्यों ज़रूरी है कि सारे काम कंप्यूटर या रोबोट करेगा? कई काम है हम खुद करेंगे, तो शारीरिक काम भी और मानसिक काम भी। तो जिसको कहेंगे कि एक होलिस्टिक जीवन, एक पूर्णता के साथ ज़िंदगी बिताना, इसको हमें समझना होगा। और इसको अगर समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा। पर कॉरपोरेशंस जो हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तो ऑटोमेशन की तरफ आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं,
और ऑटोमेशन इसलिए भी है कि कुछ काम इतने परफेक्शन पे उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो रोबोट कर पाएगा। तो ये समस्या क्या जो लोअर क्लास लेबरर्स हैं उनको कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि उनके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। 130 करोड़ अगर हमारे देशवासी हैं तो ज़्यादातर लोग कुछ करके खाते हैं। देखिए, जो समाज की रचना हमने की है उस समाज की रचना में कंपनीज़ का की जो भागीदारी है वो अपना काम कर रही है। उनको अगर एक ये भूमिका दी गई कि कम से कम पैसे में कम से कम श्रम से चीज़ बनाओ, पॉल्यूशन की भी चिंता नहीं करो और ऊर्जा की भी चिंता नहीं करो, तो हम देख ही रहे हैं और ये और बढ़ जाएगा। चलिए, पॉल्यूशन की ओर ध्यान चला गया है लेकिन इस ओर ध्यान जाना भी ज़रूरी है कि मानव की क्या आवश्यकता है। मानव की आवश्यकता खाली निठल्ला बैठने में नहीं है। कोई आदमी निठल्ला नहीं बैठना चाहता है, अगर बैठेगा तो शरीर और मन से बीमार हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आएगी तो हमें समाज की रचना भी बदलनी पड़ेगी। इस समाज की रचना बदलेगी, इसमें कंपनियों की भूमिका बदलेगी, तब हम तय करेंगे। कंपनियां तय नहीं करेंगी, समाज तय करेगा कि क्या चीज़ रोबोट बनाएगा और क्या चीज़ आदमी बनाएगा। रोबोट क्या बनाएगा? रोबोट वो चीज़ें बनाएगा जो खतरे से खाली नहीं है, या वो चीज़ वो काम करेगा जो आदमी नहीं कर सकता। जैसे ऊपर से सैटेलाइट जा रहा है और उसकी तस्वीरों से पता लग रहा है कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और हज़ारों मील की तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा सकते हैं कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है, क्योंकि वो काम हम नहीं कर सकते। तो कहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी को लगाना है ये हम तय करेंगे, ये टेक्नोलॉजी तय नहीं करेगी। अभी जो हो गया है कि कंपनी तय करेगी या कंपनी पे जो टेक्नोलॉजी का दबाव है और प्रॉफिट्स का जो दबाव है वो चीज़ें तय कर रहा है। तो अब समाज को बदलने का समय आ गया है जब ये लोग तय नहीं करेंगे, मनुष्य तय करेगा कि क्या करना है, किस में ऑटोमेशन लाना है और किस में नहीं लाना है। अच्छा सर, आपने इतने दिन से कंप्यूटर को ग्रो करते हुए देखा है, आपको क्या लगता है अगले कितने सालों में सेल्फ कॉन्शियस कंप्यूटर बन जाएंगे? नहीं बनेगा। कंप्यूटर में कभी भी भाव नहीं आ सकता है, और इस बारे में काफ़ी, चूँकि ये दर्शन का विषय भी है, मैंने इसमें बहुत पढ़ा है, तो जिसको कहते हैं चेतना युक्त कॉन्शियस कंप्यूटर, तो मैं आज के लोगों को, यही युवा लोगों को यही कहूँगा कि इस पे काफ़ी लेख हैं, वो ये कहते हैं कि कंप्यूटर कभी भी कॉन्शियस नहीं हो सकता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। वो काम कर सकता है बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना भाव के, समझ रहे हैं? तो ये नहीं हो सकता है, और इसमें ट्यूरिंग टेस्ट के ऊपर आधार पर कई और भी काम हुए हैं और उसके माध्यम से ये प्रमाणित किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये अगले 20 साल 30 साल 40 साल कभी अगले 50,000 साल में भी नहीं हो सकता, एक लाख साल में भी नहीं हो सकता। नहीं, दिन इसके आगे का जैसे इस तरह सोचिए कि आज से 200 साल पहले वैज्ञानिकों को ये लगा कि ऐसी मशीन बना दें जो बिना ऊर्जा के चले, उसका नाम दिया गया परपेचुअल मोशन मशीन। उस पर बहुत लोगों ने रिसर्च की, अभी भी नहीं नहीं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जब निकल के आई तो उनका ऐसी मशीन नहीं बन सकती है। सवाल ये नहीं है 50 साल या 50,000 साल, ये बन ही नहीं सकती, क्योंकि नियम नेचर के ऐसे हैं, प्रकृति के जो नियम हैं उसके अनुसार परपेचुअल मोशन मशीन आप नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार जो रोबोटिक्स के नियम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम हैं या कॉन्शियसनेस के नियम हैं, उसके हिसाब से कंप्यूटर कॉन्शियस नहीं हो सकता है। कंप्यूटर में भाव नहीं आ सकते हैं, कंप्यूटर में वेदना का एहसास नहीं हो सकता। ये तीन चीज़ें आप लिख लीजिए, उसमें संवेदना नहीं हो सकती है, उसको दर्द, कांटा लग जाए तो उसे दर्द नहीं हो सकता है, ठीक है? भले ही उसमें आप उसकी आँख में आप एक रबड़ लगा दें कि वहाँ से पानी आने लगे, आप कहें रो रहा है, वो रो नहीं रहा है, वहाँ मशीन में से पानी निकल रहा है, वो प्रोग्रामिंग है।
वो प्रोग्रामिंग है, उसमें दर्द नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भाव नहीं आ सकता है, दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव, विश्वास, सम्मान नहीं आ सकता है। वो बहुत अदब से बात करेगा लेकिन उसमें सम्मान क्या है ये नहीं पता होगा उसको। इसी प्रकार से चैतन्य पक्ष क्या है, कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, वो भी नहीं आ सकता है। ये तीनों चीज़ कंप्यूटर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नहीं आ सकती। दार्शनिक रूप से इसको कहते हैं कि ये अभी ओपन सवाल है। बहुत वैज्ञानिक इसको इस ओर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वैज्ञानिक और दार्शनिक इनमें एक मत है कि भाई ये ओपन क्वेश्चन है। अब आप इसको कहें कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो फिर यही कहना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर जो है आदमी बन गया, फिर कंप्यूटर कहाँ रहा? तो ऐसा वो आदमी नहीं बन सकता है। उसके लिए उसमें फिर बात होती है कि उसमें कुछ चैतन्य परमाणु पहुँच गए तो वो अब फिर अंतर नहीं बचेगा। तो जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग और मशीनिंग के मशीन के आधार पर आप इस प्रकार का रोबोट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक सवाल, लास्ट जो मेरा सवाल है कि जीवन विद्या और लॉजिकल लाइफस्टाइल, जीवन विद्या को जितना मैंने देखा है, जो क्लासेस मैंने अटेंड कर पाए हैं उससे देखा है कि एक लॉजिकल लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा किया गया है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। वो अपने थॉट से आप मतलब प्रोसेस करो और फिर उसको एक्सेप्ट या डिनाई करो। तो जीवन विद्या से एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जीवन विद्या क्या है आपके नज़रिए से और इसका एडुकेशन में क्या ज़रूरत है। दूसरा है कि क्या सच में जो आम जिंदगियां हैं वो लॉजिक से डिराइव हो सकते हैं या किया जा सकता है प्रैक्टिकली? जीवन विद्या में चार चीज़ें हैं, या मैं कहूँगा कि जो भी विद्या, जो शिक्षा का अंग बनती है उसके लिए चार कसौटी पे चार बिंदु आते हैं। पहला है कि वो तार्किक हो, लॉजिकल हो, उस पे तर्क किया जा सके, उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे बात की जा सके। दूसरा, वो वेरीफाइबल हो, अर्थात उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकें कि ये सही है कि गलत है। जो विज्ञान, तो ये कहेंगे कि ये विज्ञान जैसे है उसी प्रकार से ये वेरीफाइबल भी है। तीसरा, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का अर्थ सार्वभौमिक, अर्थात मानव मानव में भेद नहीं है, न धर्म का, न जाति का, न देश का, न प्रदेश का, न भाषा का, न पोशाक का, मानव एक ही है। मानव जाति एक, मानव धर्म एक। तो जीवन विद्या इन तीनों चीज़ों को मानती है। चौथी चीज़ का है मानव के लिए हितकारी है। तो ये चारों चीज़ें जीवन विद्या में हैं और इसी कारण इसको जो है शिक्षा में एक मान्यता मिली है। और जब मैं कहता हूँ कि वेरीफाइबल, कि उसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं, तो विज्ञान के लिए हमें कहाँ देखना होता है? हमें बाहर देखना होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर देखना होता है। जीवन विद्या में हमें अपने अंदर देखना होता है कि हमारे अंदर क्या भाव आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं। और जिस प्रकार से बाह्य प्रकृति नियम का पालन करती है, उसी प्रकार मानव मन भी नियम का पालन करता है। और इसका नियम है कि वो सार्वभौमिक है और उसमें मुख्य बिंदु मैं कहूँगा सबके प्रति प्रेम, विश्वास है, सम्मान है, प्रेम है इत्यादि। और इसके आधार पे जब हम समाज की रचना करने निकलते हैं तो वो समाज आज के समाज से बहुत भिन्न होगा, काफ़ी अलग होगा, तो वो अविशेष है। हाँ, ये तो सर, पर मेरा सवाल एक पॉइंट पे ये है कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं, मान लीजिए कि सिगरेट या लेकर पीना बुरी बात है और हर कोई इसको भली बात ही समझता भी है, ये वेरीफाइड भी है और उसके रिजल्ट्स के बारे में भी सबको पता होता है, फिर भी लोग इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। देखिए, जो सत्य है वो छुप नहीं सकता है, ठीक है। हम अगर बाहर जाएं
बारिश हो रही है और कहें कि ये बूंदें जो है नीचे से ऊपर जाएंगी, ऊपर से नीचे नहीं आएंगी, तो क्या होगा? नहीं, हमारी मर्जी से नहीं होगा। और अगर हम उस बारिश में जाएंगे तो भीग जाएंगे। चलिए, भीगने में इतनी बुराई नहीं है, ओले पड़ रहे होंगे तो सर फूट जाएगा। इसी प्रकार से मानव भी नियम के अनुसार है, मानव विचार, उसको अगर समझेंगे तो दुर्घटनाओं से बचेंगे और कम से कम हमारा जीवन सुखमय होगा। जैसे जैसे हम व्यवहार करेंगे, दूसरे लोग इसको मानेंगे, तो समाज सुखमय हो जाएगा। तो ये इच्छा की बात नहीं है। अगर जो सत्य है, जो नियम अनुसार है, वो वैसा ही होगा, तो अगर उसका पालन नहीं किया तो हम दुख झेलेंगे, इसका पालन करेंगे तो सुख झेलेंगे। ये व्यक्ति के ऊपर है, समाज के ऊपर है। पर ये ज़रूर है कि हमने समाज की ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं जो अमानवीय हैं। ये सोच के बनाई गई कि ये आवश्यक है समाज को आगे ले जाने के लिए, या कुछ लोगों को आगे ले जाने के लिए। लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। मनुष्य को तो इक्वालिटी चाहिए, समानता चाहिए। पर इसके पीछे तो हमारे जो आधुनिक शिक्षा जो पद्धति चल रहा है इंडिया में, जिसमें लोगों को नंबर से अलग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम से अलग किया जाता है, कोई आर्ट्स हो गया तो बेकार हो गया, कोई साइंस हो गया चलो ठीक है, फिर इंजीनियरिंग हो गया तो बढ़िया है, तो ये तो एजुकेशन सिस्टम से ही हर बच्चों के अंदर बिल्कुल फुट किया जाता तो है। तो जो शिक्षा व्यवस्था इस समय कर रही है वो अत्याचार कर रही है बच्चों के ऊपर। जिसको आर्टिस्ट बनना चाहिए वो साइंस पढ़ रहा है, जिसे साइंस पढ़नी चाहिए वो कॉमर्स पढ़ रहा है, जिसे कॉमर्स करना चाहिए वो हिस्ट्री पढ़ रहा है। अरे, बाकी सब चीज़ें भी पढ़ो, लेकिन जिसमें रुचि है, जिसमें काम करना है वो करो। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये ठीक नहीं है और ये बहुत समय टिक नहीं पाएगी। समय अच्छी बात है। समय आ रहा है कि जब ये पूरा बदलेगा। तो सर, बच्चों के लिए और जो युवा हैं उनके लिए, जो अभी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि एक डेंजरस टाइम आ सकता है टेक्नोलॉजी के कारण से ही, तो इस संदर्भ को रखते हुए क्या आप बताना चाहेंगे बच्चों को, कैसे तैयार हों अगले 50 सालों के लिए, क्योंकि वही लोग होंगे। पहली चीज़ जो युवा को समझनी चाहिए कि इस दुनिया में बहुत कुछ है। उन्हें लगता है कि अरे, मैं इंजीनियर नहीं बना तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बहुत तरह जीने के बहुत अच्छे साधन हैं, इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा अच्छे साधन तरीके हैं, और पर्याप्त आमदनी भी है। आज के समाज में जैसा चीज़ें बन गई हैं वो बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन इस समाज में भी बहुत कुछ स्पेस है जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते। तो युवा वर्ग को ये समझ में आ जाए कि मैं अपनी शर्तों पर जीऊँगा, लेकिन सर्व शुभ के लिए जीऊँगा। अपनी शर्तों पर भी, अपने अनुसार, मेरी जो वृत्ति है, जो मेरी रुचि है उसके अनुसार, और जिसमें सबका भला हो, इन दो चीज़ों को जोड़ना है बस। और ये अगर समझ में आ जाता है, इससे आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, फिर युवा को कोई नहीं रोक सकता। अभी युवा भयभीत है, जिस दिन भय चला गया उस दिन वो जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, जिंदगी को जिएगा। जिंदगी के जीने के नाम। रोज़ अब का ये गपशप का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।